अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी, खैर खरीत। आज हम मौजूद हैं जी गुरुद्वारा शरीफ के अंदर पीर मेहर अली शाह के दरबार में। इनका जो दरबार है जी, ये इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, E11 लोकेशन के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। सही हो गया। शजर नसब जो है ना, वो सैयद अब्दुल कादर जिलानी से जाके मिलता है। सही हो गया। तो आगे मैं इनका मज़ार आपको दिखाता हूँ, और भी इधर क्या सिस्टम है वो सारा सीन मैं आपको दिखाऊंगा। तो हाल ही में वीडियो शूट करूँगा, साथ में रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ शोर शराबा बहुत होता है, आपको समझ नहीं आएगी। तो फिर दिखाते हैं आपको मज़ीद आगे और क्या है इधर। सही हो गया। ये बाहर बाज़ार है जी, इधर चादरें वगैरह, मिठाई वगैरह हर चीज़ आपको इधर से मिल सकती है। तो यहाँ से अंदर जाते हैं जी, सामने जो गेट नज़र आ रहा है ना, यहाँ से अंदर जाते हैं। ये एंट्री गेट है, दो तीन गेट हैं इसके, एक नहीं है, दो तीन हैं। तो ये साथ ही छोटा सा बाज़ार भी है। ये सामने से जी इसका एंट्री गेट है, ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से एंट्री गेट है, यहाँ से अंदर आते हैं। तो काफ़ी रश है आज इधर, इस तरफ ना यहाँ जूते वगैरह जमा करते हैं, जूते यहाँ जमा करके यहाँ से अंदर चले जाते हैं। सही हो गया। यहाँ से अंदर जाते हैं, जूते वगैरह यहाँ जमा कराते हैं। ये वजू करने की जगह है जी, बादशाह धोने की, वजू करने की जगह इधर है। तो पानी इसके अंदर बहुत अच्छा है, अभी तो फिलहाल तो बहुत ठंडा है क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो पानी यहाँ बहुत ठंडा है। ये सामने मज़ार है जी, पीर मेहर अली शाह का जो मज़ार है ये सामने है ये वाला। तो आज इतवार के दिन है तो काफ़ी रश है इधर, बहुत ज़्यादा रश है जी, ये देख सकते हैं आप वीडियो में। तो रश बहुत ज़्यादा है, औरतें मर्द बहुत ज़्यादा आए हुए हैं जी। ये देखें जी, चारों तरफ से आपको दिखा दिया जी। जबरदस्त, ये अमेजिंग। थोड़ा सा इधर का, इधर से आपको दिखाता हूँ सही करिए। इसका गुंबद बहुत बड़ा है जी, ये देखें।